जय हिंद दोस्तों, ये जस्सी डेयरी है, खन्ना हवलदार जी हैं, जसवंत जी हैं नीलू जो संचालन करते हैं इसका। आज इन्होंने तैयारी की है ट्रक लोड करने की, पूछते हैं इनसे। बड़ी सुंदर गाय हैं जो दिखा रहे हैं, कहाँ के लिए हैं, क्या भाव की हैं, कितना दूध देंगी। तो ये गाय जो दिखा रहे हैं आप, कहाँ के लिए हैं? ये जी गुजरात जा रही है, आनंद चिकोदरा गांव है जी, वहाँ जा रही है। राजकुमार उसका लड़का आया हुआ है, अक्षय कुमार। कितनी गाय? ये दो गाड़ी लिए, 20 गाय लिए। 20 गाड़ी, 20। अभी कितना भाड़ा लगा? भाड़ा लगा ये 40,000। 40,000 जी। तो साथ वाला आदमी उसका खर्चा अलग से, और जो भैया जाता है उसका 4,000 रुपया, 4,500 रुपये। रास्ते का खर्चा चारे का कितना हो जाए? नहीं, वो गाड़ी वाले का। गाड़ी वाले का? हाँ जी, 40,000 में। चारा तो गाड़ी वाला नहीं खिलाएगा ना? नहीं, चारा अपना। चारा अपना, हाँ। 4,000 2,000 का आता ही, ज़्यादा नहीं आता। तो ये जो है कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे ब्याज की है जी। दूसरे ब्याज? हाँ जी। कितने दांत है? ये 4 दांत पूरे है, 4 दांत है। 4 ना 6? नहीं, 4। 4? हाँ। कितना दूध देने वाली है ये? दूध जाएगी 30+ जाएगी। 30 से ऊपर? हाँ जी, 30 के ऊपर। दूसरी ब्यात में? हाँ जी, हाँ। पहले ब्यात में इसने पक्का कर, दूसरी ब्यात में? हाँ जी, हाँ। ये ज़्यादा भी हो सकता? नहीं नहीं, दूसरी ब्यात की है। तो क्या दाम है इसका? ये 75 के लिए। अच्छा, हाँ। एक कोई बोंगो फूड करके हैं, नाम तो नहीं लिखा उन्होंने अपना जी। वो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या सूखा चारा ही अगर हमें खाली दें चेक को तो वो दूध देगी? नहीं देखो, सूखा चारा डालना तो चाहिए जरूर, लेकिन सूखा चारा से कहीं दूध पे पूरा नहीं देखते। इसको पूरी खुराक देनी पड़ेगी, खुराक देनी पड़ेगी, पूरी खुराक फीड देनी पड़ेगी, फीड भी देनी पड़ेगी, तब मिनरल भी देने पड़ेंगे, मिनरल भी देने। क्या कहोगे इसके बारे में? ये गायेंगे बहुत ही बढ़िया गाय हैं जी, और ये भी 30+ के ऊपर। जो पहले दिखाई वो प्योर में थी? हाँ, ये प्योर में। ये भी प्योर में? ये भी प्योर में है। तो कितना दूध देने वाली? थोड़ा थोड़ा पूरे प्योर में, थोड़ी फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो कौन सा टीका लगाया इसके? पैनी में कर दिया, कोई आगे से ट्रैकर लग गया ये। नहीं तो वो कहते हैं ना कि प्योर की जो है वो थोड़ा परेशान करती है एटमॉस्फेयर को लेके। नहीं सर, मैं एक बात बताता हूँ, जो भी पंजाब की ब्लड लाइन है इसमें क्रॉस तो आता ही है, 100% कोई भी प्योर नहीं है, बोलने को जो मर्जी कोई बोली है, क्योंकि ये देसी से तैयार हुई है जो पंजाब की ब्लड लाइन है। ये इम्पोर्टर टीके से बाहर की ब्लड लाइन से देसी में मिलकर ये तैयार हुई है। क्रॉसपन तो आता है, चाहे थोड़ा आए, जितनी भी प्योर होगी सर, प्योर पहले से इसको तैयार किया गया है देसी गाय में से, इसलिए भी प्योर थोड़ा तो फर्क रहेगा। तो कौन सी ब्याज की है ये? ये दूसरे में है। दूसरे में? हाँ। तो कितना देगी दूध ये? ये भी 30+ के ऊपर जाएगी, 1300-1300 पर जाएगी। हाँ जी, हाँ। तो क्या दाम की है ये? 70,000 के लिए। 70,000? हाँ, 70,000। 70,000 ज़्यादा रेट? नहीं, कोई रेट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 30+ कोई रेट ज़्यादा नहीं है। साइलेज अगर हम सारा साल खिलाते हैं, सारा साल खाने खिलाते रहे, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, उसका नुकसान भी कोई नहीं है, उसका नुकसान कुछ नहीं है। सैले जो असल में चलता है फार्म में, ठीक है, जो आम किसान अपने घर पर गायें रखते हैं दूध होने के लिए 5-7-10, वो सैले प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। सैले जो जैसे किसी भी फार्म पे 50 से ऊपर गायें हो, 60-70 जितने भी, वहाँ पे सैलेज प्रोवाइड होना जरूरी है, तब अफोर्ड करेंगे वो। हाँ जी, अफोर्ड करेंगे, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा होता है, 10 गायों वाला उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूध रंग की है ये? हाँ जी, हाँ जी, सुंदर है, सुंदर है। क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये खुद ABS की है। ABS की? वो पहले थी उसका कौन सा था? उसके सर ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर की खुद की आगे और पैनी मेकर लगा हुआ था उसको। अच्छा, हाँ जी, ये ABS की है। हाँ जी। कितने का मिला ABS का सीमन? ABS का सर वो ही प्रोवाइड हो जाता है, 1500 से चालू हो जाता है। कहाँ से लेते हो? जैसे 1500-2500 का आ जाता है। कहाँ से मिलता है? जहाँ से 1500 का और 2500 का इतना फर्क क्यों है? ये कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कम भी मिल जाता है, ज़्यादा भी दे देता है। नहीं, ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं है कंपनी? नहीं, फिक्स रेट नहीं है जी इसका। कोई फिक्स नहीं है, जितना मर्जी लगे लगा लो। नहीं, ज़्यादा नहीं है, मैंने ऐसे बोला 1500-2500 बताया, एजेंट कितना होता है? सर पता बात क्या है, इसका गवर्नमेंट ने रेट कोई फिक्स नहीं किया। अच्छा, जिसका जैसे लगता है वो वैसे चलाता है, चलाता है वैसे चलाता है। तो ये कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे के सर। दूसरे ब्याज की? दूसरे के। कितने दांत हैं? दान जो पूरे करके, पूरे ही करके, पूरे करके। तो कितना दूध देगी ये? दूध ये सर 25 से लेकर 30 के बीच में दूध दे देगी। तो कितना समय मांग रही है अभी? अभी इसके 20 रोज बाकी।
20 रोज बाकी, तो क्या दाम है इसका? दाम जो 65 के लिए, 55 की ना, 65 की, 65 65,000 की, तो उससे तो ये सस्ती, वो 30 दूध देने वाली मानते हैं सर, वो बछड़ी अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे, इसका सनक्खापन में, उसका सनक्खापन में थोड़ा हाइट भी, ये तो सुंदर है उससे, नहीं सुंदर तो है सर, जो गुण उसमें है वो इसमें नहीं, इसमें ये गुण हमको भी बता दो, ठीक है, क्या गुण है? मैं बताता हूँ, जो उसकी ब्लड लाइन है दूध की, वो इससे हाई क्वालिटी की है, वो मैं बताता हूँ, जो दूसरे वाली है 30+ करेगी, वो तीसरे पे जाके 35 के 40 के बीच में चलेगी, चली जाएगी। और ये जी वही मान लो 30 और 25 और 30 के बीच में घूमेगी, वही घूमेगी, वो घूमेगी। अच्छा, कोई महेश पाल करके हैं कोई, तो वो वीडियो पे आपकी कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि खुले में दूध कैसे निकालें, अंदर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मक्खियाँ धुआं करते हैं तो दूध निकालते हैं, तो कोई क्या समस्या हल कैसे होगी? एक लाल दवाई आती है सर, उसके बारे में अभी नाम तो नहीं मेरे दिमाग में आता, उससे मक्खी भाग, बाकी पखा या कुल्ले लगाना चाहिए, मक्खी भाग जाती है जब दवाई चलाते हैं। सर देखो, जो तो नॉर्मल किसान है उसको तो खुले में ही चुनी पड़ेगी, ठीक है, जो बड़े फार्म है वहाँ पे बलर बने हुए हैं, मान लो गायों के 10-10 का सेट जाता है, दूध निकालते हैं सेट पे, वहाँ मक्खी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आम किसान को तो ये प्रॉब्लम आती है, चाहे एक नहीं कोई हो, ठीक है ना, इसका कोई पक्का हल है कि मक्खी दूध होते समय भाग जाए, ठीक है ना। सागर कासर करके हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से, तो वो पूछते हैं कि जर्सी का है 36 का टेम्परेचर वहाँ रहता है, मेंटेन कर जाएगी? हाँ जी हाँ, कर जाएगी, जर्सी को, जर्सी तो किसी भी मौसम में मेंटेन कर जाती है। अच्छा, एक उनके चारे की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो वो चारे की प्रॉब्लम है कि हरा चारा सारा साल उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, तो उसके लिए अगर वो हाइड्रोपोनिक का करें, हाँ जी, तो ठीक रहेगा? बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो जानवर अपने हिसाब से सेट कर लेता है, अगर कहीं बहुत, एक जगह नहीं बहुत जगह है जहाँ पे सारा साल हरा चारा नहीं रहता, ठीक है, वो सूखा भूसा तो नहीं अकेला खलवा सकते। अच्छा, ये जो एचएफ तुम दिखा रहे हो, हाँ जी, तो क्या कहते हैं ये, तो मतलब कि प्योर में है या नहीं? सर, ये थोड़ी जैसे सी पहले तुमने बताया कि थोड़ी सी तो रहेगी क्रॉस में, क्रॉस में, तो ये कौन सी ब्याज की है? ये तीसरे की है। तीसरे की? हाँ जी, तीसरे की। यार तीसरे की ऐसे ही कह देते हो जो, मतलब जो दूसरे वाली है उसको दूसरे के, हाँ, जो फर्स्ट वाली है उसको फर्स्ट कहेंगे। नहीं तो आपको कोई ऐसा पैमाना है जो जिसको देख के बता सको, जो मालिक ने कह दिया वो ठीक है? नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए, जो तो पहले और दूसरे है तकरीबन वो दांतों में होती है, सही बात है ना, उसमें तो कोई झूठ ही नहीं है, और जो तीसरे में चले जाएगी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बताने लग जाती है, चौथे वाले की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, अगर वो अलग चीज़ है कि अगर खिलाने वाला उसको सही खुराक दे रहा है, फिर नहीं बता पाएंगे हम कि वो दूसरे है या तीसरे है या चौथे है, फिर नहीं पता चलेगा, फिर नहीं पता चलेगा, लेकिन गाय खुद बताने लग जाती है वो कितने बेहतर में जा चुकी है। तो ये कितना दूध उम्र के हिसाब से हो जाती है? ये कितना दूध? ये भी तो 25-30 के बीच में जाएगी। तो क्या दाम की है ये? ये लिया है 65 की, 65,000। तो वो 25 और 30 वाली भी 65,000 की? हाँ, यही 25-30 ही बोला मैंने। अच्छा, 25-30 के बीच में बोला। मंसूर खान है, वो आपसे पूछ रहे हैं, बांग्लादेश से हैं, तो क्या बांग्लादेश में 5 का उनको चाहिए, पहुँच जाएंगे? नहीं सर, बांग्लादेश में नहीं पहुँच। अच्छा, बंगाल तक जा सकती है, बंगाल से आगे अगर वो अगर अपना इंतजाम कर लेगा, हाँ, इंतजाम कर ले बंगाल से आगे, हाँ, तो बंगाल तक जा सकते, बंगाल तक जा सकते। तो ये जो दिखा रहे हो चेक, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहती है? सर ये फर्स्ट में है, पहले में पहले कितने दांत हैं? दांत 4 है। 4 दांत है पहली ब्यांत में? हाँ जी। तो इतना लेट कैसे हो? सर मान लो इसके शरीर में जो कमी होगी, टाइम से गाभिन नहीं हुई, ठीक है, कमजोर होगी, तो अब गाभिन नहीं? हाँ जी गाभिन। कितना समय मांग रही है? अभी 20 से 22 रोज रहते हैं। कितनी उम्र है इसकी? कितनी उम्र मान के चलो, ये वही 27-28 मंथ की होगी। अच्छा, 3 साल की नहीं है? नहीं, 3 साल की। 2 साल से ऊपर निकल गई? 2 साल से ऊपर, 2.5 साल से, 2.5 साल। कितना दूध देगी, क्या टीका कौन सा लगा इसको? टीका नहीं, ये लोकल किसान के घर से लेंगे, लोकल टीका लगा। लगती तो फार्म की हाइट वेट देख, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं किसान की अच्छी तैयार कर लेते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं तो लोग पैसे झूठ बोल देंगे, इसके ये लगा, ये लोकल किसान से ली है, किसान ने सेवा इसकी अच्छी की हुई। कितना दूध देने वाली? दूध सर ये 20 लीटर दे देगी। दे देगी 20 लीटर। तो दाम इसका क्या है? जे 52 के लिए 52,000। हाँ जी 52,000। रहील जगीरदार हैं कोई, आप लोगों की वीडियो पे पूछते हैं वो कि
कितने लीटर वाली दूध है जिसको कि दोवा से अधिक जो है धोना पड़ता है, तीन बार धोना पड़ता है? तो सर जो 50-60 लीटर वाली है गए उसको दो बार धोना पड़ता है। तो 40 वाली कोई 235 प्लस होगी, उसको दिन में दो बार या तीन बार धोना पड़ेगा, मान लो तीन बार धोना पड़ेगा। बाकी अडर की क्वालिटी के ऊपर होता है सर, ठीक है। ये अगर उसकी अडर की क्वालिटी टाइट है, दूध ज़्यादा अधिक है, तो उसको दिन में तीन बार धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं वो अडर की क्वालिटी टाइट है वो बैठेगी तो दूध अपने आप निकलेगा। ये जो घुमा रहे गाय बहुत सुंदर है, ये तो ऑर्डर भी बड़ा बढ़िया है इसका, क्या कहेंगे इसके और कितनी उम्र की है ये? सर ये क्रॉस ब्रीड में है और दूसरे इलेक्ट्रिशियन क्रॉस ब्रीड। अच्छा तो गुजरात तो क्रॉस ब्रीड की पसंद करते हैं, तो आपने फिर वो सारी क्यों नहीं भेजी वहाँ पर? कुछ ना जो अपने दोस्त लेने आए गए ना, उन्होंने गाय कुछ आगे देनी है, अच्छी बेचनी है, तो जैसी लोगों की पसंद है तो वैसी उन्होंने खरीदी है। तो ये कौन कितना दूध देने वाली है? ये दूध दे देगी 25 लीटर से। कौन सा टीका लगा इसको? ये लोकली किसान के घर से है, फार्म की लगती तो फार्म की नहीं सुंदर बहुत है सुंदर। फिर वही बात आ गई सर, किसान भी अच्छी गाय पालते हैं, किसान भी अच्छी। क्या दाम है इसका? 62 के लिए सर, 62 के लिए 62,000। अच्छा कार करते हैं, हाँ जी, तो स्टेटस को कैसे रोकेंगे ये जानना चाहते हैं। स्टेटस को सर पहले तो उसके हेठा की सफाई अच्छी तरह से होना चाहिए, खास के जहाँ पे गायें बांधते हैं वहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं होना चाहिए ज़्यादा हर टाइम, ठीक है। उसके कारण भी मस्टाइटिस होती है गायों को। और जब गायें हम धोकर रखते हैं तो कम से कम आधा घंटा गायें बैठनी नहीं चाहिए, कम से कम, ठीक है ना। फिर उसको चाहे बीटाडीन चाहे कोई भी लाल दवाई से थनों को धो, दूध धोने के बाद तो मटेट से रोका जा सकता है, कुछ परसेंट यानी मटेट से कंट्रोल होगी होने से। कल हम एक फार्म पे गए तो वहाँ पर पूरा कीचड़ था, हाँ जी, तो वैसे तो उन्होंने मिट्टी डाली होगी लेकिन गोबर पेशाब से जो कीचड़ बन गया, हाँ जी, तो घुटने भर था, तो गाय उसमें बैठ जाएंगी तो उससे वो नहीं सर मैं एक बात उससे मटेट से नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ, गाय गोबर पेशाब पे जब मर्जी बैठ जाए गाय को मटेट से नहीं होगा, गाय को मटेट से होगा पानी के साथ। अच्छा हाँ जी, ना गोबर से तो ना पेशाब, उसमें तो गोबर में पानी होता ही है, गीला होता है ज़्यादा, कीचड़ होता है उसमें सर, उसमें पानी मैं बताता हूँ, वो जो गीला होता है वो पानी से पानी के साथ में नहीं होता, वो गोबर और पेशाब इकट्ठा होने से होता है। अच्छा ये गाय जो दिखा रहे हो, हाँ जी, तो ये पहले भी तुमने दिखाई दोबारा फिर से को? नहीं सर वो अलग है, वो बछड़ी दूसरी है, तो एक जैसी ही बिल्कुल नहीं पर लेकिन इनका फर्क बहुत है। क्या फर्क है? ये डेनमार्क में है, ये 40-120 की है, आगे इसको मैजिक लगा हुआ है। अच्छा, और ये अच्छे फार्म से आई है, और वो जो किसान वो किसान के घर की, तो ये कितना दूध देने वाली है? सर इसने 28 लीटर पहले वितर में दूध दिया होगा, इसलिए 28 लीटर। अब ये दूसरे में आएगी, अब दूसरे में बढ़ जाएगी सर, ये 35 के प्लस चलेगी इस बार। अच्छा हाँ जी, 35 से ऊपर जाएगी। ऊपर दाम है इसका? दाम ये 75 के लिए सर, 75,000 ऊँचा हो गया सर। फिर गाय भी अच्छी है, दूध भी 10 किलो बढ़ा दिया, 3500 दे देगी? देगी सर, आपके सामने बैठे जो दूध देंगे उनसे मिल सकते हो आप। क्या नाम है आपका? अक्षय पटेल। कहाँ से? गुजरात आनंद से। आनंद से, हाँ। कितनी गाय ली? 20 गाय ली। 20, हाँ। टोटल कितने पैसे खर्च दिए? टोटल 10.5 लाख। घर से लगा, लोन लिया? नहीं घर से लगा है, सारे बिक्री का भी काम है, घर पे भी बिक्री का काम है। पूरा अनुभव रखते हो? घर पे भी रखते है। पूरा अनुभव रखते, एक्सपीरियंस है पूरा? सॉरी, एक्सपीरियंस है पूरा? हाँ है पूरा। कितना पढ़े हैं आप? इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग की है? हाँ। तो नौकरी नहीं की? नहीं, बस पिताजी करते थे, उसके साथ साथ इसमें लग गए। आपने सर पहले राजकुमार आए थे ना, आपने वीडियो बनाई थी, ये उनका लड़का है। अच्छा अच्छा, हाँ। राजकुमार ने आपको बताया था ना, अभी मेरा लड़का भी आता है 25 साल से, राजकुमार इसका डैडी आ रहा है, अभी 7-8 साल से जी आ रहा है। तो ये 25 साल से आ रहे, कभी लूट भी लेते हैं ये? नहीं, अब तो घर जैसा बन गया है। अच्छा।